हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा की ये परंपरा रही है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का विषय आता है, एक ही नाम का प्रस्ताव सदन में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि इस बार भी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एक ही व्यक्ति का नाम रखा गया। विपक्ष ने भी इसमें अपनी सहमति दी तथा सर्वसम्मति से कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा, कुलदीप पठानिया जनप्रतिनिधि के नाते सदन के भीतर अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। चंबा एक छोटा जिला है तथा इस जिले से कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के चौथे अध्यक्ष चुने गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदन के भीतर विपक्ष की भूमिका में है तथा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सदन के भीतर जब भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को मौका देंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा और विपक्ष का विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, जब अध्यक्ष के चुनाव का विषय आता है आमतौर पर सर्वसम्मति से एक ही नाम का प्रस्ताव होता रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एक ही नाम का प्रस्ताव श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से साझे तौर पर प्रस्तुत हुआ और वो सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुलदीप सिंह पठानिया जी वर्षों से एक जनप्रतिनिधि के नाते अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, पांचवी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर है और लॉ की बैकग्राउंड होने के कारण निश्चित रूप से विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जो एक दायित्व का निर्वहन करने उसमें उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और उसके अनुरूप वो करेंगे। नियमों का जो पालन करने की बात आती है उस पर सभी सदस्यों को वो आग्रह करेंगे। चंबा एक ऐसा छोटा जिला है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये चौथे स्पीकर चंबा से हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपने दल की ओर से उनको विश्वास भी दिलाया मैंने और अपनी ओर से मैंने शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर है और उनके महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा होगी तो वो समय भी देंगे और विपक्ष का विशेष तौर से ख्याल रखेंगे। और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके सफलता वो हासिल करें इस दायित्व के निर्वहन में, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।